नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेली अपडेट में मैं साहिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी वेली हैं और अगर आप आधार का काम लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। वैसे तो डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन से होते हैं, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले भी हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट किस तरह से होते हैं। मेरे जो खुद के डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे आपको एक एक ओपन करके दिखाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है सीएससी के थ्रू आधार कार्ड का अपडेट का जो काम है वो लेने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे सीएससी के थ्रू जब भी हमें अपने आधार काम लेना होता है तो सबसे पहले हमें एनएसआईटी की वेबसाइट पे हमें लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे हमको एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लेंगे उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से यहाँ पे सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होता है और इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है जो मैंने एग्जाम दिया था और वो सर्टिफिकेट हमारा यहां पे है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सीएससी से आधार का काम लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सबसे यहाँ पे आपका आधार कार्ड, ये आपके पास तो होगा ही। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र मतलब पुलिस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, वो ऑनलाइन आप खुद से बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं चरित्र प्रमाण कैसे बनाया जाता है मोबाइल से ही, खुद से ही 5 मिनट लगता है बनाने में, तो वो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र होता कैसा है इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा चरित्र प्रमाण पत्र है, इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन बनता है। उसके बाद यहाँ से इसे हम क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे HDFC का यहाँ पे आपके पास BC होना चाहिए CSE के थ्रू, अगर आप HDFC का हो या फिर ICICI बैंक का, जो CSE आपको प्रोवाइड करती है जो भी BC, वो BC आपके पास होना चाहिए, वो आपको जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलिए इसे हम ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा HDFC का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से मैंने स्कैन किया हुआ, इसलिए इस तरह से आ रहा है, वो इस तरह का आपको दिखाई देगा। आप वीडियो को रोक करके आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद मेन IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मैं आपको ओपन करता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं ये मेरा IIBF का सर्टिफिकेट है, इस तरह का आपका IIBF का सर्टिफिकेट दिखाई देता है, ये भी ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद यहां पे LMS का सर्टिफिकेट सबसे मेन इम्पोर्टेंट, अगर आप LMS का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो LMS का ID पासवर्ड आपको कैसे लेना है, सर्टिफिकेट कैसे लेना है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि LMS का सर्टिफिकेट होता कैसा है और LMS का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। तो इस तरह का LMS का सर्टिफिकेट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये 8 डॉक्यूमेंट जो हैं ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जो आपको सीएससी से आधार लेने के लिए चाहिए। जैसे आप कमेंट करते हैं कि लैपटॉप के बारे में जानकारी चाहिए कि लैपटॉप पहले खरीदें या बाद में खरीदें, या फिर कौन सा लैपटॉप खरीदें, कौन सा फिंगरप्रिंट खरीदें, कौन सा आयरिस खरीदें, तो इसके बारे में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कम्प्लीटली आपको वीडियो बना के दे दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी।